नवजोत सिंह सिद्धू की रोज रोज की चिक चिक से सीएम चन्नी इतना खींच गए हैं कि अब वे सिद्धू से आर पार करने के मूड में हैं। इसी वजह से सिद्धू के 13 सूत्री एजेंडे को उन्होंने किनारे लगा दिया और सिद्धू से कहा कि अगर 2 महीने में वे इसे लागू कर सकते हैं तो सीएम की कुर्सी पर आकर बैठ जाएं। ये बात सिद्धू को भी पता है कि फरमाइशों की जितनी लंबी लिस्ट उन्होंने सोनिया गांधी को दी है उसे पूरा करने में सालों का वक्त लग जाएगा और पूरा हो भी पाएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सिद्धू अपने इस लिस्ट को लेकर ज्यादा जल्दबाजी मचा रहे हैं। वे ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में उन बातों को शामिल करे जो उनकी पसंद की हो। इसी बात पर सीएम चन्नी की सिद्धू के साथ तगड़ी भिड़ंत हो गई। सिद्धू ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 4 पन्ने की एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में सिद्धू ने 13 सूत्रीय एजेंडे को सुझाया और इसे जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की थी। इसी चिट्ठी को लेकर एक अहम बैठक हुई और इसमें सिद्धू की चन्नी से भिड़ंत हो गई। सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ में गवर्नर हाउस के गेस्ट हाउस में बैठक में सिद्धू और चन्नी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान कांग्रेस पर्यवेक्षक हरीश चौधरी और पीसीसी महासचिव प्रगट सिंह भी मौजूद रहे। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में सिद्धू ने अपना 13 सूत्रीय एजेंडा उठाया जिससे चन्नी चढ़ गए और अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर डाली। चन्नी ने अपने इस्तीफे की पेशकश करते हुए सिद्धू को चुनौती दी कि वो 2 महीने के भीतर इन 13 सूत्रीय एजेंडों पर कार्रवाई करके दिखाएं। सूत्रों का कहना है असल में सिद्धू मुख्यमंत्री चन्नी पर बादल परिवार के कारोबार पर कार्रवाई करने का दबाव बना रहे हैं। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में सिद्धू ने लिखा था कि पंजाब में मादक पदार्थों की तस्करी के पीछे एसटीएफ रिपोर्ट में जिन बड़ी मछलियों का जिक्र था उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और सजा दी जानी चाहिए। सिद्धू पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो चन्नी सरकार के कामकाज में दखलंदाजी कर रहे हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।